जितने भी बच्चे आते रहेंगे जाते रहेंगे हमेशा चलता रहेगा अब तक स्कूल चल रहा है तो ये नेवर एंडिंग एक क्लब बन गया है लेकिन इंडिया में ऐसी अभी फैसिलिटीज़ एटलीस्ट चंडीगढ़ में नहीं देख दे, देखने के लिए मिल रही हैं अभी डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट्स भी चंडीगढ़ में नहीं है तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई है ये हमारी जो ऐप है वो देश में भी यूज़ हो सकती है कि जैसे रोम जैसी सिटीज़ हैं जो कि ओल्ड सिटीज़ हैं वहाँ पर व्हील ऑपरेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है तो इसलिए वॉलेंटियर्स की ज़रूरत वहाँ पर भी हो सकती है अभी मैं न्यूयॉर्क में था तो एक यूनिवर्सिटी में मैंने ये आइडिया प्रेजेंट किया उससे हमें पता चला उसने उनने आइडियाज़ दिए बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से उनने बताया कि उनकी क्या चांसिस हैं उनकी कंट्री में कैसे वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर कैसे व्हील के साथ कम्फर्टेबल हैं लोग ਸੱਚੀ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਰੂਪ ਚਵਾਨ ਹੋਪ ਯਾਨੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਹੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਹਮ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਵਾ ਕਰ ਚੁਕੇ तो हम यही चाहते हैं और ये स्कूल क्लब है तो मतलब जितने भी बच्चे आते रहेंगे जाते रहेंगे हमेशा चलता रहेगा अब तक स्कूल चल रहा है तो ये नेवर एंडिंग एक क्लब बन गया है हमारा व्हील चेयर द ही क्यों कितना मतलब दे आर सो मैनी अदर थिंग्स आल्सो व्हील चेयर डोनेट करना किसी को है ना मतलब आप कहते साई मंदिर कालीबाड़ी मंदिर के विया ने इसते पिछे का मंतव किवें आइडिया आया कि चेयर देनी है तो हमने लास्ट ये प्रोजेक्ट किया था तो लास्ट प्रेजिडेंट और मैं हमारे फैमिली में दोनों डिसेबल फ्रेंडली डिसेबल लोग हैं तो हमें हमें उनसे बात करके हमें उनसे देख के हमें ये आइडिया आया कि हमें ये करना चाहिए कि उनकी लाइफ उनके मतलब लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है अभी इंडिया में स्पेशली कि एक्सेसिबिलिटी कम है इंडिया में उनके लिए जाना बाहर मुश्किल है इसलिए वो नहीं जाना चाहते हैं बाहर और घर में ही रहना चाहते हैं اور وہ ان کی فیملی اس لیے بھی اتنا ہی مشکل بن گیا ہے کہ اگر وہ فل ٹائم وہ ایک ایمپلائی یا پھر ہیلپر ہائر نہیں کر پاتے ہیں ان کی فیملیز کو دھیان رکھنا پڑتا ہے جو کہ مشکل ہوتا ہے دونوں پارٹیز کے لیے ਤੁਹਾਡੇ پریوار دے وچکار کون ڈسیبل ہے میرے انکل ڈسیبلڈ ہیں وہ ایک کار کراش میں تھے تو تب سے ڈسیبلڈ ہیں 10 15 سال سے اب تو پھر کتنی کا سمجھ پائے ہو کیونکہ 17 سالوں دے ہو ਤੁਸੀਂ انہاں دی ہر روز دی جدوجہد نو کیویں سمجھ پائے مطلب کہ لوڈ لگدی ہے کہ انہاں نو کنا چیزاں دی لوڈ ہے کئی بار وہ شاید بلاب ہی نہیں سکتے तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनको उनने भी एक आ, हेल्पर उनको हायर करना पड़ा जो कि बहुत ही मुश्किल होता है एक पूरे मंथली सैलरी देना और फिर उनको जब बाहर जाना होता था तो उनको एक कार में व्हील चेयर ले जानी पड़ती थी सब जगह उन हेल्पर को लेके जाना पड़ता था उस उनकी फ़ैमिली को बहुत ध्यान रखना पड़ता था उनके लिए जो कि उनको भी नहीं पसंद था उनको भी हेल्पलेस महसूस होता था तो वही चेंज करना चाहते थे हम वही इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤਾਂ ਕਰ ਤੋ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾ 2.1 ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਦ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾ ਵਧੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ अगर आप बाहर विदेश में देखें वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें तो बहुत एक्सेसिबल उनने बना दिया है मतलब अगर डोर्स हैं तो इसमें एक बटन है कि जो खुद खुल जाता है ताकि उनको व्हील से उठने की जरूरत ना पड़े लेकिन इंडिया में ऐसी अभी फैसिलिटीज़ एटलीस्ट चंडीगढ़ में नहीं देख देखने के लिए मिल रही हैं अभी डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट्स भी चंडीगढ़ में नहीं है तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई है अच्छा, तो अभी टॉयलेट्स की तुम गल कर रहे हो क्योंकि होटल्स के विचार तो होंगे नहीं लेकिन जब आप पब्लिक टॉयलेट्स की गए उत्थे नहीं है उ नहीं है और रेस्टोरेंट्स में नहीं क्योंकि जो बिल्डिंग कोड था उन्हें चेंज कर दिया था कि रेस्टोरेंट्स लिए मैडेट्री है तो अब रेस्टोरेंट्स में भी कोई डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट्स नहीं है जो हमने लास्ट सर्वे किया था तो यही हमें चेंज करना था और इसलिए हमें लगा कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए अच्छा एक एक ऐप भी तुसी बनाया उस ऐप के जरिए कि वे डिसेबल लोगों तक जुड़ पाओगे तो सब तो व्डी गल जो थोड़े तो नाल जुड़ना चाहते हो कि जुड़ पागे तो जो ऐप है वो डेवलपमेंट में है तो ऐप का बेसिक वो है कि जो जैसे जिनको हेल्प की रिक्वायरमेंट है और जो हेल्प करना चाहते हैं वो दोनों रजिस्टर करेंगे हमारी ऐप पे इसलिए सब लोग कनेक्ट हो सकते हैं तो so जिनको हेल्प चाहिए वो कनेक्ट हो उनके वॉल्टियर्यर्यर्यर्यर्यस के साथ कनेक्ट होके एक टाइम और लोकेशन सेट कर सकते हैं और वॉल्टियर्स उनके ਲਾਈਫਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ کہیں ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ व्हीलचेयर के साथ हेल्प ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਉਹਨਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੇਂ हेल्प ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਐਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੋ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਯਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਐਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ जो अगर व्हील चेयर में है वो खुद जा सकते हैं ऐसा नहीं है कि वो जा ही नहीं सकते जो कि इंडिया में नहीं है ऑटोमेटिक है सब कुछ hmm. तो यही डिफरेंस है लेकिन अभी हमारी जो ऐप है वो देश में भी यूज़ हो सकती है कि जैसे रोम जैसी सिटीज़ हैं जो कि ओल्ड सिटीज़ हैं वहाँ पर व्हील ऑपरेट करना ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉहां पे ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ اچھا ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਕ ਵਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣ ਹੁਣ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟੂਰ ਹੈ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਨੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹ ਹੈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ हाँ जी तो वही है कि दुनिया अगर देखने जाते हो तो देखते हो कि क्या डिफरेंस क्या है इंडिया और विदेश में तो अगर वहाँ पे ये कर सकते हैं तो हम इंडिया में ये क्यों नहीं कर सकते हैं कोई ऐसा वो तो है नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं तो वही इम्प्लीमेंट करने की ही बात है ये तो इसलिए अभी मैं न्यूयॉर्क में था तो एक यूनिवर्सिटी में मैंने ये आइडिया प्रजेंट किया उससे हमें पता चला उसने उनने आइडियाज़ दिए बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे उनने बताया कि उनकी क्या सर्कमस्टांसेस हैं उनके कंट्री में कैसे वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर कैसे व्हील के साथ कम्फर्टेबल हैं लोग जो कि इंडिया में नहीं है अच्छा जो उथे बैठे दर्शक ने या फिर आपा के ये थडे उम्र दे, दे लोग ने नौजवान पीढी है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਰੀਲਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਕਟਿੰਗ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਸਕਿੱਲ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ यही ਸੰਦੇਸ਼ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੋ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹਮਾਰਾ ਕਾਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ वे जस्ट डूइंग इट फॉर मतलब चैरिटी के लिए कर रहे हैं हमारा काम है कि हमें वापस देना चाहिए हमें सोसाइटी के लिए तो इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट सारे जो भी बच्चे होप क्लब में हैं यही चाहते हैं कि हम वापस सोसाइटी को दे पाएँ लोगों की मदद कर पाएँ तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितना भी वो मदद कर सकें वो करें ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਪ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਹੋਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੂਪ ਚਲਵਾਨ ਦੇਨਿਕਸ ਵਿਰਾਟੀ ਵੀ